Hello, students. Welcome to my YouTube channel Excellence Learning. Our next topic in the lecture series of functional analysis is invariance and reducibility. Let T be an operator on Hilbert space H and M be a closed linear subspace of H. Then, set M is said to be invariant under operator T if T of M is a subset of M, that is, Tx belongs to M for every x belongs to M. यानी कि जब हम एम सेट पर टी ऑपरेट करेंगे तो वो टी ऑफ एम सारे का सारा एम सेट के अंदर चला जाएगा या हर एक एक्स के लिए टी एक्स बिलोंग करेगा एम को तब हम बोलेंगे एम क्या है इन वेरियंट सेट है अंडर ऑपरेटर टी सिमिलरली एनी सेट ए इज सेट टू बी इन वेरियंट अंडर अ मैपिंग इफ एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड इफ बोथ एम एंड एम कॉम्प्लीमेंट और एम और आर इनवेरियंट अंडर टी दे रिड्यूस्ड बाई एम यानी कि अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर दोनों ही एम और उस सेट का और थोगनल एम और थोगनल दोनों ही अगर इनवेरियंट होंगे तब हम बोलेंगे कि एम रिड्यूस कर रहा है टी को या या टी रिड्यूस हो रहा है एम की हेल्प से ना फर्स्ट थे

देन कंसीडर इन प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स विद वाई इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स टी स्टार वाई टी स्टार एट जॉइंट है टी ऑपरेटर का एट के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम ऑपरेटर को पीछे लेकर के जाएंगे तो वो टी स्टार होकर के जाएगा गिव इट नंबर वन सिंस टी ऑफ एम इज x एलिमेंट ऑफ एम सो टी ऑफ एक्स विल will टू एम ऑल्सो वाई y को बिलोंग कर रहा है एम औरल को और एम कोई सेट अपने ही और थोगनल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो एक एलिमेंट एम का है दूसरा एलिमेंट एम और थोगनल का है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है सो इनर प्रोडक्ट इन दोनों एलिमेंट्स की क्या आएगी जीरो विद इनर प्रोडक्ट इज जीरो बाय नंबर वन एंड टू वी गेट x विद टी स्टार वाई इज जीरो यानी कि टी स्टार वाई एक्स की, की और थोगनल हो गया क्योंकि इन दोनों की इनर प्रोडक्ट जीरो आ रही है x तो कोई आर्बिटेरी एलिमेंट था सो टी स्टार वाई किसके पर पेंडिकुलर हो जाएगा पूरे सेट एम के पर पेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि एक्स किस को बिलोंग कर रहा है एम को सो टी स्टार वाई बिलोंग्स टू एम और थोगनल क्योंकि टी स्टार वाई पर पेंडिकुलर एम के सो टी स्टार वाई किस में चला जाएगा एम और थोगनल में पिछले लेक्चर में भी हमने डेफिनेशन देखी थी किसी सेट के और थोगनल की किसी सेट का और थोगनल कैसे डिफाइन करते हैं कि वो सारे एक्स एच में से लेंगे जो पर पेंडिकुलर हों सेट एस के तो जितने भी एलिमेंट सेट एस के पर पेंडिकुलर है उस सेट को बिलोंग करेंगे एस और थोगनल को तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अगर ये सेट पर है एम के तो ये किसको ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा एम और थोगनल को बिलोंग करेगा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एम अर्थोग्नल वाई किसमें से लिया था हमने स्टार्टिंग में एमर्थोग्नल से तो सारे का सारा टी स्टार एम अर्थोग्नल किसमें चला गया एमर्थोगनल में क्योंकि अगर ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू है तो पूरे सेट के लिए भी ट्रू होगा दैट इज एम अर्थोग्नल इज इन वेरियंट अंडर टी स्टार अभी कन्वर्स पार्ट में हम मान के चलेंगे कि एमअर्थोगनल इन वेरियंट है अंडर टी स्टार और प्रूव करेंगे कि एम इन वेरियंट है अंडर टी अभी हमने प्रूव किया कि अगर एम इन है अंडर टी तो एम और थोगनल इन होगा अंडर टी स्टार और इसी रिज़ल्ट को अगर हम दोबारा अप्लाई करें तो क्या आएगा एम और थोग्नल का और थोगनल इन होगा अंडर टी स्टार का स्टार यानी कि इस पर अगर और थोगनल लें और इस पर अगर स्टार दोबारा से अप्लाई कर दे तो ये इसके अंडर इन हो जाएगा तो यही रिजल्ट दोबारा अप्लाई करेंगे एम डबल और थोगनल इज़ इन अंडर टी डबल स्टार एम गिवन है कि क्लोज लीनियर सब स्पेस है और क्लोज लीनियसपेस के लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है कि एम डबल और थोगनल एम के इक्वल होता है और इसका प्रूव हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी किया है अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं वहां पर भी मैंने बोला था कि ये वाला रिजल्ट बार बार यूज होगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और टी डबल स्टार भी टी के इक्वल होता है ये हमने प्रूव किया था एट ज्वाइंट वाले लेक्चर में तो कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो गया कि अगर एम और थोगनल इन है अंडर टी स्टार तो एम इन होगा अंडर टी

और थॉगनल ऑफ दिस सेट विल बी इन अंडर और जॉइंट ऑफ दिस ऑपरेटर यानी कि एम डबल और थॉगनल इज इन अंडर टी स्टार अभी एम क्या है क्लोज तो एम डबल और थोग्नल एम के इक्वल होगा इसका प्रूफ आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं सो एम इज इन अंडर टी स्टार दिस एम्प्लायज एम इज इन अंडर बोथ टी एंड टी स्टार एम इन वेरियंट अंडर टी हमने यहाँ पर कहा और एम इन वेरियंट अंडर टी टी स्टार हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कंबाइनिंग बोथ इज अंडर बोथ टी एंड टी स्टार अभी मान करके चलेंगे कि एम इन वेरियंट अंडर बोथ टी एंड टी स्टार प्रूव करेंगे कि एम रिड्यूस कर रहा है ऑपरेटर टी को अगेन यूजिंग थियरम नंबर वन एम इज इन वेरियंट अंडर टी स्टार देन एम और इन वेरियंट अंडर टी डबल स्टार दैट इज टी एम अंडर टी स्टार इनवेरिएंट है तो इस सेट का जो ऑर्थोगनल होगा वो इनवेरिएंट होगा अंडर एट ऑफ दिस ऑपरेटर सो एम एमर्थोगनल इज इन वेरियंट अंडर टी क्योंकि टी डबल स्टार टी के इक्वल होता है तो एम इन वेरियंट है टी के अंडर और एमरथोगनल भी इन वेरियंट है अंडर टी सो एम एंड एमरथोगनल बहुत सारे इनवेरियंट अंडर टी सो बाई डेफिनेशन एम विल रिड्यूस ऑपरेटर टी थर्ड थियरम इफ पी इज प्रोजेक्शन ऑन क्लोज लीनियर सब स्पेस एम ऑफ एच देन एम इज इन वेरियंट अंडर एन ऑपरेटर टी इफ एंड ऑल इफ टी पी इक्वल्स टू पी टी पी इन प्रूव फर्स्टली वी लेट दैट एम इज इन वेरियंट अंडर टी एंड वी विल प्रूव दैट टी पी इज इक्वल्स टू पी टी पी फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू एच बी आर्बिटेरी एलिमेंट तो पी एक्स किस बिलोंग करेगा एम को क्योंकि एम इज रेंपेस ऑफ पी पी प्रोजेक्शन है एम सेट पर और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था कि पी अगर प्रोजेक्शन है किसी सेट एम पर तो एम क्या होगी पी की रेंज स्पेस और रेंज स्पेस में किस तरह के एलिमेंट होते हैं अगर एम रेन स्पेस है तो उसमें वो सारे एक्स होंगे सच दैट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स पी एक्स टाइप के मेंबर सारे एम सेट में होंगे सो पी एक्स इज मेंबर ऑफ एम सेट और एम क्या है इन अंडर टी इनवेरिएंट सेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर एम सेट इनवेरिएंट है तो टी ऑफ एम सबसेट होगा एम का या फिर टी एक्स किसको बिलोंग करेगा एम को फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट एम यहाँ पर एलिमेंट पी एक्स किसका है एम का सो टी ऑफ पी एक्स किस में चला जाएगा एम में ये चीज़ यूज करके यहाँ पर एक्स मेंबर था एम का और यहाँ पर पी एक्स की बात हो रही है सो टी ऑफ एक्स एम में क्या था टी ऑफ पी एक्स किस में चला जाएगा एम सेट में एंड अगेन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रेंज स्पेस वी नो दैट एक्स बिलोंग्स टू एम इफ एंड ऑनलीफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स यानी कि एम के मेंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू है और टी पी एक्स किसका मेंबर है वो भी तो एम का ही मेंबर है सो इस पर पी लगाएंगे तो इसी एलिमेंट के इक्वल आएगा जैसे यहाँ पर पी एक्स एक्स के इक्वल था तो यहाँ पर हम एक्स की जगह टी पी एक्स यूज करेंगे क्योंकि ये भी तो एलिमेंट एम का ही है तो पी ऑफ टी पी एक्स इक्वल्स टू टी पी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच Now we get ptp of x equals to tp of x for every x belongs to H that is ptp equals to tp. Conversely, we will assume that ptp equals to tp and we will show that M is invariant under T. For that, let x belongs to M be any element. Now M is range space of P so Px will be equals to x by using definition of M. Taking t on both sides, we get tpx equals to tx, that is tp of x equals to tx. Now, by assumption, we will replace tp here by ptp, that is ptpx equals to tx. That implies p of tpx equals to tx for every x belongs to m. Now we know that x equals to p x so we replace x by p x here and we get p t p of x equals to t p x now again we will use this thing कि p लगने के बाद ये सारा element equal रह रहा है इसी element के p of t p x equals to t p x तो ये एलिमेंट किसमें चला जाएगा m में क्योंकि अगर x m का एलिमेंट है तो p x x के इक्वल है so p of this element is equals to itself so t p x belongs to m And again, p x equals to x, so t of x belongs to m for every x belongs to m. That is, t of m is a subset of m. or this definition invariance. So that implies m is invariant under t. Next theorem: If p is projection on closed linear subspace m of H, then m reduces operator t if and all if t p equals to p t. अगर एम रिड्यूस करेगा ऑपरेटर टी को तो टी और पी दोनों क्या करेंगे कम्यूट करेंगे टी पी इक्वल्स टू पी टी वी आर गिवन देट पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम लेट एम रिड्यूस इज ऑपरेटर टी देन बाई यूजिंग थे ऑफ दिस वीडियो एम इज़ इन वेरियंट अंडर टी एंड टी और अभी हमने theorem नंबर थ्री में भी पढ़ा कि अगर एम इन वेरियंट है अंडर टी देन टी पी इक्वल्स टू पी टी पी और यहाँ पर हमने बोला है कि एम इन है टी के अंडर भी और टी स्टार के अंडर भी सो यही रिजल्ट जो है वो टी स्टार के लिए भी ट्रू होगा दैट इज अगर एम इनवेरियंट अंडर टी स्टार सो टी स्टार पी विल आल्सो बी इक्वल्स टू पी टी स्टार पी सो यूजिंग बोथ दिस रिजल्ट्स वी गेट हियर टी पी इक्वल्स टू पी टी पी एंड टी स्टार पी इक्वल्स टू पी टी स्टार पी ये सेम ही रहेगा और यहाँ पर हम दोनों तरफ एड ज्वाइंट लेंगे और रिजल्ट यूज करेंगे टी वन स्टार इक्वल्स टू टी स्टार टी वन स्टार ये पी सी आ जाएगा सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा पी स्टार टी डबल स्टार पी स्टार और पी क्या है प्रोजेक्शन अंडर मैप एंड पी वी आर गिवन दैट प्रोजेक्शन ऑन हिल स्पेस एच सो पी विल बी सेल्फ एट ज्वाइंट पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने प्रोजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर पी प्रोजेक्शन है ऑन हिलबर्ट स्पेस एच देन पी मस्ट बी सेल्फ एड जॉइंट दट इज पी स्टार इक्वल्स टू पी पी मस्ट बी आई डाइ दैट इज पी स्र इक्वल्स टू पी पी मस्ट बी लीनियर एंड पी मस्ट बी कंटिन्यूस सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी गेट पी स्टार इक्वल्स टू पी हेयर एंड हेयर ऑल्सो एंड वी ऑल्सो नो दैट टी डबल स्टार इक्वल्स टू टी सो कंबाइनिंग बोथ वी गेट इफ राइट हैंड साइड इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल सो tp equals to pt if and only if m reduces an operator t last important result of this video is if p and q are projections on closed linear subspace of m and n of hilbert space h respectively then m is perpendicular to n if and only if pq equals to operator zero if and only if qp equals to operator zero now we consider that pq equals to zero operator and we will prove here that q p equals to 0 operator so taking a joint on both sides we get q star p star e equals to 0 operator and p and q both are projections so both will be self-adjoint that is q star equals to q and p star equals to p so pq equals to 0 operator if and only if q p equals to 0 operator now we will show that m is perpendicular to n if and only if pq equals to 0 operator for this firstly let that m is perpendicular to n ना लेट z बिलोंग्स टू H बी आर्बिटरी एलिमेंट सो क्यू जेड विल बिलोंग्स टू N. क्योंकि गिवन है कि p प्रोजेक्शन M पर है और q प्रोजेक्शन N पर है q अगर N पर प्रोजेक्शन है तो N क्या होगी q की रेंज स्पेस सो q लगने के बाद जो भी एलिमेंट होगा वो किस सेट में जाएगा N सेट में रेंज सेट में जाएगा वे आर एन इज रेंज स्पेस ऑफ क्यू एज क्यू इज प्रोजेक्शन ऑन एन सो क्यू जेड बिलोंग्स टू एन सिंस एम इज़ पर पेंडिकुलर टू एन एम सेट एन के पर पेंडिकुलर है तो एन के हर एलिमेंट के भी पर पेंडिकुलर होगा सो एम सेट इज पर पेंडिकुलर टू क्यू जेड एम इज पर पेंडिकुलर टू क्यू जेड सो क्यू जेड बिलोंग्स टू एम और थोग्नल एंड एम और थोग्नल इज नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन पी बिकॉज पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम सो एम इज रेंज स्पेस ऑफ पी और किसी प्रोजेक्शन के लिए रेंज स्पेस और नल स्पेस एक दूसरे के और थोगनल होते हैं तो इसकी जो नल स्पेस होगी वो किसके इक्वल होगी इसके और थोगनल के इक्वल दैट इज नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन पी इक्वल्स टू एम और थोगनल इसको हम एन से डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि एन है यहाँ पर रेंज स्पेस हमने क्यू की ली हुई है तो ये सिंपल नल स्पेस ही आएगी नल स्पेस इस प्रोजेक्शन पी के लिए किसके इक्वल होगी एम और थोगनल के इक्वल तो प्रोजेक्शन पी लगने के बाद के 0, 0, ये एलिमेंट का आंसर क्या आएगा जीरो पी ऑफ क्यू जेड इक्वल्स टू जीरो क्योंकि ये एलिमेंट नल स्पेस का एलिमेंट है सो पी क्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एच दैट इम्प्लाय पी क्यू इक्वल्स टू जीरो कन्वर्सली वी सपोज दैट पी क्यू इक्वल्स टू जीरो एंड वी विल शो हेयर दैट एम इज पर पेंडिक्युलर टू एन फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई बिलोंग्स टू एन बी एनी एलिमेंट ना कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई एक्स को राइट करेंगे PX के इक्वल को राइट क्यू वाई के इक्वल क्योंकि बिलोंग कर रहा है को और एम इक्वल्स टू पी सिमिलरली वाई बिलोंग कर रहा है एन को एंड एन इज रेंज स्पेस ऑफ क्यू सो वाई इक्वल्स टू क्यू वाई सो वी गेट इनर प्रोडक्ट एक्स विद इक्वल्स टू एक्स कॉमा पी स्टार क्यू वाई पी पीछे लेकर के जाएंगे एंड पी स्टार इक्वल्स टू पी बिकॉज पी इज प्रोजेक्शन एंड P Q हम मान करके चले हैं ज़ीरो ऑपरेटर के इक्वल है और जीरो लगने के बाद Y का आंसर क्या आएगा जीरो X के इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो आएगी इनर प्रोडक्ट में एक में एलिमेंट जीरो तो आंसर ज़ीरो होता है दैट इज़ एक्स विद Y इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो वेयर X इज एलिमेंट ऑफ M एंड Y इज एलिमेंट ऑफ N और इन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या है जीरो तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर पेंडिकुलर सो M इज़ ऑर्थोगोनल टू सेट N सो इफ पी क्यू आर प्रोजेक्शंस ऑन क्लोज लीनियर सब स्पेस एम एंड एन ऑफ हिलबर्ट स्पेस देन एम इज और थोग्नल टू एन पी क्यू इक्वल टू जीरो ऑपरेटर एंड क्यू पी इक्वल्स टू जीरो ऑपरेटर ये तीनों स्टेटमेंट इक्वीवेंट स्टेटमेंट होंगी दैट्स ऑल फॉर टूडे होप यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग